ये तरीके तौर पे सबको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये बलोचों पश्तूनों का तारीखी और शेर है। इसमें अगर हम आज इस पर अलग है कि नहीं पर पश्तून दावा ना करेंगे बरसों से नहीं, हमेशा कोशिश ये की जा रही है कि इसको ये तासुर दिया जाए। इसमें आप उठा लें कि बीएनपी के कितने कारकुन इसमें मौजूद थे, इसीलिए कि इसको जो फंडामेंटल राइट्स है आगे प्रोवाइडेड राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत इस मसले को जब तक आप इस मसले को इशू को हल नहीं करेंगे लोग इसी तरह उतरेंगे नफरतों की बुनियाद पर पार्लियामेंट में जहाँ भी। सरदार अख्तर जान मंगल साहब हम जो 2010 से लापता अपराध के सुप्रीम कोर्ट में केस चला रहे थे सरदार अख्तर जान मंगल ही थे जो आज भी आप पीएलडी एमएलडी उठा के देखिए उसका हिस्सा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने साथी हजरात का खासकर सबीर साथी हजरात आज तशरीफ रखते हैं पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुख्तसरन शॉर्ट टाइम पे अपनी यहाँ पर शिरकत यकीनी बनाई। और शुरू शुरू में हम यही है कि हमारे पार्टी मंशूर जो हमारे पार्टी की बेसिक जो सियासत है पॉलिसीज़ है उसके बुनियाद पे हमने वो सीधा सीधा पांच जो बलूचिस्तान को के लोगों को वहाँ आवाम को दरपेश है उसको सामने लाने के लिए कोशिश की है कि एक जामे नुक्ते लंबे चौड़े करने के बजाय जामे पॉइंट्स दिखा रहे हैं। पार्टी ने इस पर काफ़ी गौरव किया। हमारे साथ जो कमेटी मेम्बर है हमारे सीनियर साथी आगा हसन बलूच साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है मरकजी शकीला मोहतरमा शकीला नोई देवार साहब और गुलामी मरीज साहब हमारे आगा खालिद खालिद शाह जो है इस वक्त अभी तक पहुँचे नहीं है वो हमारे इस कमेटी के रुकन थे। तो मैं इस तरह शुरू करता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जिस तरह तारीख है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मुल्क में लाकानूनीत दहशतगर्दी कतल वगारतगरी फिरका वारियत वसायल की लूट कसूट माशरती इंतशार और सियासी अदम इसकाम को तशवीश की निगाह से देखती है। हम समझते हैं कि मुल्क तेज़ी से सियासी और कौमी अदम इसकाम की तरफ बढ़ रहा है। इस संगीन सूरत से निकलने का मंतकी रास्ता अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक आजादाना मुस्मानी खावत के साथ साथ यहाँ की अकवाम में मुहिमत को फ़रोग देने और इनकी सियासी माशी और आइनी हकूक की तहफ़ प्राप्त करने में मुजम है। बलूचिस्तान पिछले कई दायों से इस्तेसाल की वजह से सियासी सादी बदानगी और बाशरती बदानगी का शिकार है। ज़िंदगी के तमाम शुबों में इंतशार है। 70% से ज्यादा लोग गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तालीम सेहत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समेत तमाम शुबे और मौकों में इनहिताब पजीर है। अमन अमान नाम की कोई शह मौजूद नहीं। पुलिस और डिवीज को अपने फरज के अंजाम नहीं मुश्किल दरपेश है। इन मुकामों की दुरुस्तगी की बजाय हुकूमत अरबों रुपये सालाना वफाकी दौरों को सिक्योरिटी के नाम पर अदा कर रही है। इंतजामी शुबे में करप्शन घर कर चुकी है। भर्तियों से लेकर तकरूर और तबादलों में रिश्वत और बदवानी अरूद पर है। जुडिशरी मुनसिपल और सिविल सेशन यूनिट की कामयाब इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हैं। सूबे में प्लानिंग और डेवलपमेंट का इदारा मौजूद है लेकिन वहाँ प्लानिंग है और ना डेवलपमेंट। कारोबार और तजारत इंतहा पजीर है। सूबे में माशी वसायल की लूट कसूट जारी है और इसकी रोकथाम से मुतालिक कवानीन शिकस्ता नामुकम्मल और मुबहम है। सूबे में नौजवानों की बारी अक्सर बेरोजगार कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ हासिल करने वाले नौजवान रोजगार के लिए दरबदर के टुकड़े खा रहे हैं। ज़रात और आसानी के मुकमे बदनमी और नाकिस कारकर्दगी का शिकार है। तालीम का ये हाल है कि असातिज़ा की भर्तियाँ मेरिट पर नहीं होती बल्कि इनकी तालीमी काबिलियत भी मयारी नहीं होती। असातिज़ा को अपनी सलाहियत बढ़ाने और प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग की सहूलियत दस्तियाब नहीं। मुकम्मल सेहत लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम। बीएनपी बलूचिस्तान में जिंदगी के तमाम शुबों में आवाम के तालीबा में से इनकलाबी तब्दीलियों की वाहम है। ऐसी तब्दीलियाँ जो यहाँ रहने वाले लोगों की माशी समाजी और फलाही बहबूद के जामिन हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में रवाज दी गई करप्शन और बदनामी के फरोग को तशवीश की निगाह से देखती है और इसे बलूचिस्तानी आवाम की
سیاسی سماجی اور اخلاقی اقدار کی گراوٹ کی بنیادی وجہ قرار دیتے اور اس برائیوں کو روکنے اور اسے جڑ سے اکاٹ رکھنے کا عزم رکھتی ہے۔ تو یہ ہماری پارٹی کا جو موقف ہے، ہم نے 32 نکات کے اوپر آج یہ مشہور جو انتخابی مشہور کے نام سے ہے 2024 یہ جاری کر رہے ہیں پارٹی کی جانب سے۔ اس میں ہم نے بنیادی جو اس وقت بلوچستان جن جن صورتحال سے دو چار ہے، جس میں چیدہ چیدہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن، یہاں تک کہ ہماری جو آپ کہتے ہیں کہ بنیادی سہولتیں دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت کوئٹہ شہر میں، اگر ہم شہر جو کیپٹل ہے ہمارے صوبے کی، اس وقت وہ نہ لوگوں کو گیس کی سہولت موثر ہے، نہ بجلی کی، نہ صحت کی، اور نہ ایجوکیشن کی، اور یہاں تک کہ پینے کے پانی تک لوگوں کو میسر نہیں، اور لوگ کوئٹہ شہر میں پانی ٹینکروں کے ذریعے سے خریدتے ہیں۔ تو ہم نے بنیادی دوسرے جو ہمیں درپیش مسائل ہیں ہمارے صوبے کو، لاپتہ افراد، انسان فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، انسانی حقوق جو ہے، اس میں وائلیشن ہو رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صوبہ جو ہے، جو ہمارے بچے، خواتین، وہ لواحقین جو واقعہ آپ کے تربت میں ہوا، یہ تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعہ رہے، لیکن تربت کا واقعہ جو ہماری پارٹی نے 23 نومبر کو پہلے ہی دھرنے میں ہم نے شرکت کر کے، اس وقت بھی ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس کا سوموٹو نوٹس لے، ایک ایسا شخص کو، جو ایک ایسا بچے کو جو 2 دن قبل ایک سیشن کورٹ میں اس کی ریمانڈ لی جاتی ہے اور 2 دن کے بعد اس کی لاش، بسک شدہ لاش پھینکی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی وائلیشن تھی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی، کہ ساری دنیا اس طرف متوجہ ہوگی، اور اس وقت جو ہمارے اس کے لواحقین، بچے، خواتین وہاں تربت سے چل کے کوئٹہ تک گئے، پھر اسلام آباد تک گئی، تو اسلام آباد میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، پھر وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ صرف ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی نہیں، ساری دنیا نے اس کی مذمت کی، اور اس کے ہر حوالے سے کہ یہ ایک بدنامہ آداب ہے۔ تو ہم فنڈامنٹل رائٹس کے تمام وائلیشن کے اگینسٹ جو پرووائڈڈ قوانین ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اس کو عملی بنانے کے لیے اپنے کردار ادا کرے گی۔ دوسرا جو ایک بڑا ایشو اس وقت آپ کو، آپ کا بارڈر ٹریڈ ہے، اس میں ہم نے نقطہ لایا ہے کہ اس میں اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے ایران کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، اس تمام بیلٹ میں آپ اوکران کو لے کے کہ ایک بھی نہ انڈسٹری ہے، نہ وہاں پہ گلا پانی کو گورنمنٹ نے توجہ دی رہی ہے۔ یہ 17 سالوں میں جو گچھا بچے یہاں پہ ملک سالی کے بعد، وہ زمینداری جو زراعت کے اوپر تھی وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایران سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور یہ اسی طرح آپ چمن میں دیکھیں کہ شرم کی بات ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی بھی اس پہ سنجیدہ عمل کسی جانب سے نہیں دی گئی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ بارڈر ٹریڈ کو ایک قانونی شکل دیں گے، کہ وہاں کے جتنے بھی ہمارے بارڈر لگتے ہیں جن جن ممالک کے ساتھ، اس کو ایک بنیادی شکل دیں گے، اور اسی طرح ہماری جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمارے اس پہ بیسک نقطہ شامل ہے، اس میں ہم نے جامع کر دیا کہ ہم خواتین کو ہر اس میں زندگی ہر شعبے میں برابری کی بنیاد کو اس کو رکھیں گے، چاہے وہ آپ کے انتخابات کا مرحلہ ہو اس حوالے سے ہو، چاہے اس کے اسپیشل جو رائٹس ہیں بیسیکلی اس پہ ہو، اور مزید اسی طرح ہم بچوں کے حوالے سے، ہمارے جو اس وقت ہم کہتے ہیں 70% لوگ جو ہے وہ لکیر آپ کے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں غربت کی، تو اس وقت ہمارے ہر طبقہ فکر جو ہے وہ یہاں پہ احساسات کا شکار ہے۔
हमने इस पे ग्वादर का एक खुसूसी रखा कि ग्वादर फूड जो इस वक्त दुनिया के तमाम ताकतों का तवज्जो का मरकज बन चुका है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग 1% भी इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सके। ग्वादर के सीपे के ऊपर जो कहते हैं ये चेंज गेम होगा इस रीजन में, लेकिन चेंज गेम आप अंदाजा लगा सकते आवाज भी जूनी ग्वादर और पसनी के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पर हमने पटिशन डाली थी, जो इस वक्त जो एक मंसूबा हम जब दबरे पे गए थे हाईकोर्ट ने इसको डायरेक्शन दी, हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे एक मंसूबा जो जूनी से ग्वादर तक उसको पानी का पाइपलाइन डाला था आज तक उसको तातुल का शिकार है। टेंडर भी हो चुका है उसका, लेकिन तातुल का शिकार है, हर जगह पे फंड है वहाँ पे ये सर। तो ये हम कहते हैं कि जब तक आप ग्वादर को बलूचिस्तान के आवाम की मलकियत तस्लीम नहीं करेंगे, इससे तो सीपीए के ऊपर आपने लाहौर को तो सुनवा लिया, लाहौर में अवरेज ट्रेन भी बना लिया और अब मोटरवे भी बना लिए, लेकिन बलूचिस्तान में इससे हमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। संदक पे हम कितने सालों से इस वक्त तक जो अगर एक तादाद दिया जाए कि जितनी परसेंट सूबे के लिए रखा है, संदक पे हमने जो सिक्योरिटी के मत में जितना खर्चा किया है, जितना हमने इसको बर्दाश्त किया, उससे बढ़ ये वो असला वतन से जो हमें जो शेयर मिला है उससे ज़्यादा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग जो सारे बलूचिस्तान के लोगों के लिए रोज़गार का जरिया बन सकती है, तो इस वक्त भी ये मरकज अस्खुद लगे हुए हैं। वो कभी बिलकवामी सदे पे सऊदी के साथ एग्रीमेंट पे जा रहा है, ये हम कहते हैं कि ये एक डाका है बलूचिस्तान के लोगों के हकूक के ऊपर। और बलूचिस्तान के लोगों ने अगर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को अक्सरियत दिलाई, हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और या के वसाइल पे बलूचिस्तान के लोगों को हकूक दराने में किसी तरफ पीछे नहीं रहेंगे। जो आपकी भी मालूम है हमारी भी मालूम है, जो बलूचिस्तान का शेर रखने एक तो पहले सबसे पहले जो ये माहिदा हुआ था वो भी जाम साहब के वालिद साहब के दौर में हुआ था। उस वक्त उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करके, अब भी उन्होंने 15% पे ये इसे आगे नहीं गई थी बलूचिस्तान की शेयर उन्होंने 15% रखी थी। हमें भी पता है आपको भी पता है कि हमारी वजह से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की ही वजह से ये मिस्टर कदूस इस पर अटक गए और वो सिलसिला जो 2-2.5 माह तक चला कि उन्होंने बलूचिस्तान की शेयर 25% रखना है। अशुरू न तो शुरू वाले मुहदे में आई एग्रीमेंट है और जाम साहब ये प्रूफ के साथ कि जाम साहब ने 15% भी इसको एग्री किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हम आज भी अब कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का उस वक्त भी महाअसम्बली में यही मौका था कि हम 50% से कम में राजी नहीं होंगे, चूँकि हमारे इतनी तादाद नहीं थी कि हम इस अमल को रोक लेते और ये सिलसिला कुछ 17 साल से जारी है, तो हम इस जज्बे को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम इसी तजुबे के बलूचिस्तान का शेर सबसे ज़्यादा हो। देखिए हमारे वो सबसे पहले अपने जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में मरकज़ में आवासन साहब बैठे हुए, उस वक्त भी हमने जो 6 नुकात जिस 6 नुकात पे जो बेसिकली हमारे यही सबसे रिलेटेड थे, हमने इमरान खान को सपोर्ट किया और उसमें कोशिश ये हुई कि पहले मरहले में 1.5 साल में उसने 500 बंदे हमारे बाजियाब हुए, उस पर जो हमारे लापता अफराद थे जो हमारे बेसिक पुकार में थे। दूसरे हमने कानून साजी के लिए ये तमाम पार्टियों ने हमारे साथ एग्री किया था। इस गवर्नमेंट इस इलेक्शन से कबल जितनी भी अपोजिशन की हुकूमतें थी कि हम इस्लामाबाद में हमारे उसमें आज भी वो डिक्लेरेशन मौजूद है कि हमने एक कानून साजी करनी थी ग्वादर के ऊपर, और वो फिर जब हमने ये करारदाद लाया इस पर हमें उस पार्टियों ने साथ नहीं दिया और यही सबब बनी, यही जो बुनियादी 6 नुकात से जब इनराब था, जब उन्होंने ये सिलसिला अलापता अपराध की वापसी रुक गई, तो हम जो है उस वक्त
हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे, चार साल हमने साथ दिए और फिर अलहदा भी हुए, और हमने अब पार्टी का रिकॉर्ड आप उठा लें, प्रोवेंशल असम्बली का हो या नेशनल असम्बली पे, जो हमारे नुकात है हमने किसी भी पार्टी को किसी भी गवर्नमेंट को माफ नहीं किया, उस पर पार्टी का मौकफ आप देख सकते हैं। आज भी जो सजा दी जा रही है, जो 2024 के इलेक्शन पे जो हमारी पार्टी सर्वकल भी सुप्रीम कोर्ट में लगा था कि सरदार अख्तरजान मेंगल साहब जो पार्टी के गए थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले सके, उनको खतरा इसी बात से है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये फिर ये असम्बली में आएंगे तो वो इसी मौकफ के साथ रहेंगे। तो अब और आप खुद बता दें कि सरदार अख्तरजान मेंगल साहब को किस बात की सजा दी जा रही कि ये रिटर्निंग अफसर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसके पीछे वो कौन सी कुवतें हैं, हम आपको सब जानते हैं, हम समझते हैं। तो हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो आप किसी भी मरहले पे ये नहीं कह सकती कि ये स्टैंड इसको लेना था और जो उनका जो मंशूर हमने 2018 में पेश किया उससे इनराब किया हो या उस पर खामोश रही हो, तो हम पार्टी जो है वो जिम्मेदार है उसकी जो के लिए जवाब दें। देखो शाह साहब, ये आपकी बात इस हद तक तो तस्लीम कर लेते हैं कि इसके लिए तहरीक के लिए अपने तरीक़ाकार पे कि किस तरह हमने अपने लोगों के हकूक जो है के किस तरह हमने हासिल करनी है, हमने जो केक वगैरह की बात की है अपनी पार्टी के आज भी रिकॉर्ड पे है कि सरदार मेंगल साहब ने जो भी बात की कि सिर्फ उन सियासी जमातों से जो कमपरस्ती का दावा तो करते हैं वो ये तमाम चीज़ें जो है एंड इलेक्शन वक्त पे फिर आवाम को तकसीम करने के लिए, हमने सिर्फ ये कहा कि ये चीज़ें जो है आप इस बयाने में आप फंस जाए कि पार्टी में ये किसका शेयर है किस तरह शेयर है, ये तारीखी तौर पे सबको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये बलोचों पश्तनों का तारीखी और शेर है, इसमें अगर हम आज इस पर अलग है कि नहीं पर पश्तून दावा ना करेंगे तो ये मतलब ये असला चिकन से रोगा धन की मदद मैं उसका यही हमने यही बात की। आप आज भी परसों जो हमारे सरिया में जलसा है सरदार मेंगल साहब के और अलमास में हमारा जलसा है या और कौन सी उसमें तकरीर आप उठा के देखिए, उसने यही कहा कि आके हम वो जब नेशनल आवाम पार्टी थी नेशनल पार्टी की सतह पे खान अब्दुल खान नवों से लेकर सरदार अतुल्ला खान मेंगल नवा खैर बख्श बरी जितने अकाबरीन ने मुश्तरक जदोजहद की राह दिखाई और उस मुश्तरक जदोजहद के जरिए ही हम अपने आवाम के हकूक दिला सकते हैं। ये आप जो लफाजी में हमने सिर्फ एक बात कही कि सबसे ज़्यादा आप मौका चाहती थी, ये आपके हज़ारों आपको भी इलम है हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आपके चमन में कितने महीने से बैठे हुए, इन पार्टियों को तो चाहिए था कि वो जाके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी साथ मिला के जमात उलमा इस्लाम जो यहाँ के आवाम के हकीकी नुमाइंदगी करते उसको मिला के अपने लोगों के आसूदगी के लिए यहाँ के लोगों के मसायल हल करने के लिए मुश्तरका जदोजहद की तरफ जाए। आज भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इसी पे यकीन रखती है और कि हम बलूचिस्तान के लोगों के हकूक के लिए जो भी पार्टी जो है जदोजहद मुश्तरक जरूरत के लिए तैयार है हमारी पार्टी वो उसको वेलकम करेगी। शाह साहब एक चीज़ का मैं आपका जवाब दूंगा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो पीडीएम की जो क्यादत थी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि सरदार साहब को मिनिस्ट्रियाँ दें, तो सरदार साहब ने कहा कि मैं एज ए पोलिटिकल लीडर कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं लूँगा, एक पोलिटिकल वर्कर मुझे उन्होंने मिनिस्टर बनाया। लेकिन मैं आपको एक कहूँ शाह साहब, यानी पाकिस्तान की तारीख में वाहिद काबीना थी जिसने बलूचिस्तान की शूज कौन ने काफ़ी दफ़ा एड्रेस किया, उसमें मैं आपको बताऊँ मिसिंग पर्सन के वाले से कमीशन ने बनाई कैबिनेट कमेटी बनाई जिसमें 5 वजीर शामिल थे, वो बलूचिस्तान के लापता अफराद बलूचिस्तान के पख्तूनख्वा के और सिंध के या जितने भी पाकिस्तान के मजलूम लोग लापता किए गए थे उस पर काफ़ी मीटिंग्स हुए काबीना के इजलास में। जिस तरह भुट्टी साहब ने कहा कि जी रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं और मौलाना वासी साहब हम लोग का एक ही मौक़िफ़ था
जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, आपके अस्करी क्यादत भी बैठे हुए थे, तो उनमें हमने एक वाजे रूप में फरका कि जी बलूचिस्तान का शेयर 50% से कम ना हो। हमने सैंधक के हवाले से लिखा कि उस 2% सैंधक के हवाले से, ये जो तेल और गैस के रेटिंग के हवाले से जो बलूचिस्तान के हकूक आज तक दिए गए हैं, तो रिपोर्टिंग पे स्टैंड था। मैं वादल सी पैक के हवाले से बलूचिस्तान पार्टी के स्टैंड था। हमने पार्लियामेंट की तारीफ गवाही नेशनल असम्बली के सरदार साहब ने, अतजा मेगा साहब ने, एज ए पोलिटिकल वर्कर ने बलूचिस्तान की तमाम जुमला मसाइल यहाँ तक कि वजीरिस्तान के पश्तूनों के जो इशूज थे, मसाइल थे, या सिंध एंड के जो लापता अफराद थे, और बात की बलूचिस्तान के सारे मसाइल थे वहाँ पे। हम अगर एज ए वजीर बैठे थे, ऐसा लगता था कि हम अपोजिशन में बैठे हैं, पोलिटिकल अपने अपना किरदार अदा करते थे। देखिए, मैं ये मैंने शायद अपने सवाल को आपको निवादी किया कि हमारी जितनी स्ट्रेंथ थी असम्बली के ऊपर, हम कभी ये नहीं कहते कि 25% पे हमने एग्री किया। कब हमने एग्री किया? पर पार्टी का आज भी स्टैंड ये, जिस तरह आवाज साहब ने कहा कि मरकज के साथ हमारा स्टैंड ये था कि हम 50 से नीचे एक बीच पर नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारी जितनी स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, उसी के। और ये जो 25% हम कदूस का कह रहे हैं कि हाँ, ये भी हमारे प्रेशर की वजह से। और दूसरा आपके सवाल का दूसरा जो हिस्सा आप देख गया कि रात को जो कुछ हुआ, ये सारे मंच में इलाके में हमारे पार्टी का ये रिकॉर्ड पे है कि देखो, वही जो हम लापता अपराध के इश्यूज के ऊपर हमने इसको पार्लियामेंट में उठाया है, ये असल ताकतवर जो कहते हैं इस मुल्क की, उसके सामने उठाया पार्टी ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए कि इसको जो फंडामेंटल राइट्स है, आगे प्रोवाइडेड राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत इस मसले को, जब तक आप इस मसले को, इशू को हल नहीं करेंगे, लोग इसी तरह उतरेंगे नफरतों की बुनियाद पे। ये अब जो आपके हर मसले को हल करने को, इसको एड्रेस करने की बजाय आपने देखा कि इसकी संजीदगी किस तरह है कि हमारे बच्चियाँ खवातीन लवाकिन इस्लामाबाद में गए, खवातीन के कैंप के सामने जो है किन लोगों को बिठाया गया, और क्या इसके साथ इसका रद्दअमल क्या आएगा। हमारी पार्टी जो है वो आईन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी जद्दोजहद कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे जितने भी राइट्स हैं, ये अपने जो इस मंशूर में आप डाले हैं, ये एक भी मुतालबा जो है वो आईन से बाहर नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर नहीं है। तो जब आप कानूनी आईनी रास्ते बंद करेंगे, आज भी आप कोशिश करें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का सरबरा जो है वो पार्लियामेंट ना आए, इसके जो हकीकी कायदत है, जो आवाम उसको, उसको भी आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो लोग तो बंदूक उठाएंगे। वो क्या दूसरा क्या रास्ता है आप मुझे बताएं कि जब पार्लियामेंट का रास्ता आपको बंद किया जाए, तो एक नौजवान तबका तो इस रद्दअमल के तौर पर तो वो बंदूक उठाएंगे। ठीक है, देखो, मैं नहीं समझता कि हकीकी जो कुंभरस्त होगा वो उसके लिए खतरा होगा, कोई खतरा नहीं है। हम कहते हैं कि ये बच्चियाँ जो है, ये इनकी हिम्मत है, इन्होंने हिम्मत दिखाया और अपना एहतजाज आलमी सतह पर इस्लामाबाद ले जाके रिकॉर्ड करवाया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2002 से लेकर आज तक, अब कहें कि कब उसने ये लापता अपराध और उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आपके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को अगर सजा मिली है, इस बात की मिली है कि पार्लियामेंट में जहाँ भी सरदार अख्तर जान मंगल साहब, हम जो 2010 से लापता अपराध के सुप्रीम कोर्ट में केस चला रहे थे, सरदार अख्तर जान मंगल ही थे जो आज भी आप पीएलडी एमएलडी उठा के देखिए उसका हिस्सा है, कि उसमें ये साबित हुआ कि इसमें सिक्योरिटी जो कैना पे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, उनके लोग इसमें शामिल हैं, लोगों को लापता करने में सुप्रीम कोर्ट के उस पर कमेंट्स देखे आप, 2012 की पेंडिंग थी उठा के उसमें देखे, वो सरदार अख्तर जान मंगल साहब थे कि अपनी पार्टी की क्यादत के साथ ही उस सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हुए और उन्होंने ये स्टेटमेंट अपने रिकॉर्ड करवाया कि अगर इस सिलसिले को अपने आईन से मावरा देखा, कानून से मावरा देखा, लोगों को इस तरह उठा के और एक किसी मखसूस इदारे को अपनी इजाज़त दी, तो लाकानूनी की तरफ पड़ेंगे और लोग जो है वो हमारी इस जमहूरी बात को भी नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज एक बहस शुरू होगी, हम तो कहते हैं कि वही मजदूर पश्तून और
उसका भी एक भी आईन और कांस्टिट्यूशन से बाहर कोई उसकी बात नहीं है। आज सिर्फ ये मारक की बात नहीं है, हमारे सारे बलूचिस्तान की बात है। और उस बलूचिस्तान पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, जद्दोजहद की है, वो अदालती सतह पे हो, पार्लियामेंट की सतह पे हो या आवाम की अदालत में हो, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कभी भी इससे पीछे नहीं रही और ना रहेगी। बिल्कुल शामिल है, शामिल है, मैंने बात की। फंडामेंटल राइट्स मींस यू जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी शिक्ष जो है ये इजाज़त देती है कि कोई भी इदारा जो है सिक्योरिटी का, चाहे वो FC हो चाहे वो पुलिस हो, कोई भी किसी बंदे को कैसे उठा सकते हैं आप? दस नंबर से लापता अपराध का हम कैसे से लाता रह सकते हैं? कोई भी हमें ये जिस तरह बाला बच्चे का वाक्य हुआ, आज आप जस्टिफाई नहीं कर सकते सारी दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया ने मजम्मत की। ये जो इतना हिल मिला, जो इतनी तादाद में लोग उस दिन सरेआम में इकट्ठे हुए, तो ये लोगों की दिल की आवाज़ है। आपने लोगों को दीवार से लगा के दूसरा कौन सा ऑप्शन ले जाता है? इधर भी आप सियासी जमातों को जो आईन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट की बात करते थे उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी आप किसी लोगों को आके मुसरत कर देते हो, तो फिर दूसरा रास्ता जो हकीकी इधर हुक्मरान है इस मुल्क को चलाने वाले से पूछे कि आप खुद इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें। आपने ये सारे जमहूरी पार्टी आज भी आप देखिए, ये NP जो सब सारा तहरीक है और पश्तूनख्वा पार्टी भी इसी तरह दावा करती है। मंजूर पश्तून एक नौजवान उठ के अब लाखों की तादाद में उसके पीछे लोग वर्कर जो है वो इसलिए कि आपने वज़ीरिस्तान में क्या किया, आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया, ये तमाम चीज़ें जो है ये उसकी रद्दअमल है। अगर मंजूर के पश्तून के साथ लोग आते हैं बगैर प्रोपेगेंडे के लोग पहुँच जाते हैं या मारक के उस पर लोग आ जाते हैं, तो ये उस सिर्फ उसका उस पर नहीं, ये कमाल जो है ये यहाँ के हुक्मरानों का है कि उन्होंने लोगों को उस देश में पहुँचाया है। कमरत से नहीं, ये आप देखिए फिर किसी और, ये कमरत से नहीं, इससे रियासत के हुक्मरानों से ताकतवरों से मायूसी है कि वो पार्लिमानी सियासत और उससे बगावत करके किसी और रास्ते पर डाले जा रहे हैं। ये मरसूस से नहीं, हमेशा कोशिश ये की जा रही है कि इसको ये तासर दिया जाए। इसमें आप उठा लें कि BNP के कितने कारकुन इसमें मौजूद थे, एक भी कारकुन जो नहीं रहा है बाहर जो उस दिन जैसे बना गया देखिए आप देखो यहाँ पे बदकिस्मती है इस मुल्क में, जब मजहब का इशू उठाता है अफगानिस्तान में, हम इसी इंतहा पर पूछते हैं कि इंतहा पसंद मजहबी इंतहा पसंदी को प्रमोट करते हैं। यहाँ बैठी शेयर में आपने देखा कि शिया बरादरी के साथ क्या हुआ, हजारों हजारों के साथ सैकड़ों की तादाद में एक एक धमाके में उड़ाए गए। और यहाँ के लोग आज भी आप देखिए, अगर हकीकत में देखा जाए, आप पश्चिम से लेके चमन तक, मैं भी पश्चिम का हूँ, आज भी उस रिट अब गवर्नमेंट की कितनी है। आज भी अगर वहाँ के TTP जो है वो फैसला करे, शाह साहब बैठे हुए हैं, वो रमजे में कोई इससे रोगरदारी कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते ये सब। और यही आपने कौमपरस्ती जो है आपने प्रमोट किया, आप कौमपरस्ती में रियासत जो कुछ कर रही है वो इंतहा पसंद कौमपरस्ती को प्रमोट कर रही है। ये जो आप लिबरल जो है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी जो है जिसकी बुनियाद पे आप आईन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जद्दोजहद करने वाले हैं उसका रास्ता रोक के आप लोगों को जो है किसी और तरफ राह करने जा रहे हो। ये अद्वितमा जो है वो नेशनलिज्म पे नहीं, नेशनलिस्ट पार्टी पे नहीं, बल्कि रियासत पे, नेशनलिज्म को तो प्रमोट किसी और रास्ते पर किया जा रहा है।